अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट को सैंडबॉक्स से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो मेरा मास्टर प्लान है, ये मैं अपनी लगभग हर वेबसाइट के ऊपर यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली गूगल भी आपसे कुछ इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि जो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स हैं सिर्फ उन्हें ही रैंकिंग मिले, और जो लो क्वालिटी स्पाम और दूसरों का कंटेंट कॉपी करने वाली वेबसाइट्स हैं वो खुद ब खुद तबाह हो जाए। तो कम से कम 10 क्वालिटी पोस्ट हों जिनके वर्ड काउंट जो है वो 3000 के लगभग हो। तो हमारी जो गेमिंग डायरी वेबसाइट है, इसका भी मसला यही है कि हम एक आर्टिकल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर ये 10 आर्टिकल हों तो फिर रैंक करना ज़्यादा आसान रहेगा। वेबसाइट की जो बेस बैकिंग्स हैं, जैसे कि प्रोफाइल लिंक, सोशल लिंक्स, डायरेक्टली सबमिशन वगैरह, ये भी हमें करवाने पड़ेंगे। और हमें जो अपनी इंडस्ट्री की टॉप नॉच वेबसाइट्स हैं उन पे भी कम से कम 5 से 10 गेस्ट पोस्ट करनी पड़ेंगी। और जो जब आपकी वेबसाइट न्यू होती है तो कम से कम 4-5 माह तक आप कोई भी ग्रे या ब्लैक हैट बैक लिंकिंग ना करें उसके ऊपर। और जो आपकी न्यू पोस्ट होती हैं आप उनको सोशल सिग्नल्स दें। ये तो है कंप्लीट वाइट हैट प्लान। एक तरीका ये भी है कि आप कुछ पोस्ट करके 6-7 महीने छोड़ दें तो वो खुद ही गूगल काफ़ी हद तक सैंडबॉक्स से उन्हें बाहर निकाल देता है। कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली वर्क करें और इस मास्टर प्लान को भी फॉलो करें तो आप कम्प्लीटली बाहर निकल जाएंगे और गूगल की नज़रों में आप एक बेहतरीन वेबसाइट शो होंगे। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।